हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। पैसे लेकर नफरत फैलाने वाली मीडिया के खुलासे पर चुप है गोदी मीडिया। क्या अगला नंबर इन सबका है? कोबरा पोस्ट पर सभी राजनीतिक दलों पर की चुप्पी के बाद एक दल ने आखिरकार मीडिया पर बोलने की हिम्मत दिखाई है। आम आदमी पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोबरा पोस्ट में हुए खुलासों पर बात की। पत्रकार की भूमिका निभा चुके आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने कोबरा पोस्ट स्टिंग पर अखबारों की चुप्पी पर सवाल करते हुए कहा कि आज भी इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू को छोड़कर किसी ने इस खबर को छपने की हिम्मत नहीं की है। मीडिया को सांप्रदायिकता का हथियार बताते हुए आशुतोष ने कहा कि आज तक सुना था कि देश में सांप्रदायिकता हिंसा फैलाने का काम सिर्फ राजनीतिक पार्टियां करती है, परंतु लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी ये काम करता है। आप नेता ने कहा कि हमारा स्पष्ट तौर पर ये मानना है कि इस पूरे मामले की स्पष्ट जांच हो, कोबरा पोस्ट वाले अप्रैल महीने में इस मामले पर और खुलासा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कोबरा पोस्ट ने जो खुलासे किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। इस मामले की संगीनता को देखते हुए इसकी जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए और दोषी चैनल, अखबार और ऑनलाइन न्यूज पोर्टल पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। आप नेता ने कहा कि कोबरा पोस्ट ने जिस तरीके से 17 मीडिया हाउस को एक्सपोज किया है, वो 17 हाउस पैसे लेकर अखबारों में खबरें छापते हैं, ये लोग पैसे लेकर देश के अंतर संप्रदायों के बीच नफरत फैलाने का काम करते हैं, पैसे लेकर विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ गलत खबरें छापते हैं। क्या पैसे लेकर खबर छापते हैं? इसलिए पार्टी का स्पष्ट तौर पर मानना है इस पूरे मामले की 72 जांच हो और कोबरा पोस्ट ने भी कहा है कि ये सिर्फ एक पार्ट है, अभी एक पार्ट अप्रैल के महीने में जारी करेंगे और उसमें कुछ तथाकथित बहुत बड़े टीवी चैनल्स, उनका भी नाम, कुछ बड़े टीवी चैनल्स जो सुबह से शाम तक अपने टीवी पर सिर्फ और सिर्फ एक खास एजेंडा, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, मोदी जी का एजेंडा, सांप्रदायिकता का एजेंडा ये फैलाने का काम सुबह से शाम तक करते हैं, उनका नाम आने वाला है। तो इस पूरे मामले की 72 जांच होनी चाहिए और जो जो अखबार, जो जो टीवी चैनल, जो जो डिजिटल मीडिया के लोग इसमें जिम्मेदार पाए जाए, मेरा तो अपना मानना है कि उनका पब्लिकेशन बंद होना चाहिए। न केवल बंद होना चाहिए बल्कि देश के अंदर नफरत फैलाने की को लेकर एक कानून है, उस कानून के तहत इन सब लोगों को होना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं है कि आप लोग इसको छापोगे क्योंकि आप लोगों के हाथ बंधे हुए, जो एडिटर्स, जो संपादक और जो मालिक, मालिकों की जो भूमिका है वो आप छुपी नहीं। आज भी किसी अखबार में खबर बहुत छोटी छोटी छपी हुई है, इंडियन एक्सप्रेस ने हिम्मत दिखाई है, हिंदू ने हिम्मत दिखाई है, लेकिन किसी टीवी चैनल पर खबर दिखाई नहीं थी। आज जब मैंने एक बड़े संपादक से कहा कि इसमें बहस होनी चाहिए देश के अंदर, तो उन्होंने कहा यह थर्ड पार्टी स्टिंग, मुझे कहा गया यह थर्ड पार्टी स्टिंग। मुझे कोई भी वीडियो क्लिप जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर जो वीडियो क्लिप था जिसको किसने बनाया, कहां से आया, जो फेक साबित हुआ, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, उस पर महीनों डिस्कशन हुआ, महीनों डिबेट हुआ। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि आज जब मैंने उन संपादक से कहा कि मुझे तो ना चाहिए, मैं भी उनकी मजबूरी समझता हूं, मेरे दोस्त हैं, क्या नहीं, हमारे यहां ऊपर से तय हुआ कि भाई थर्ड पार्टी स्टिंग ऑपरेशन कोई डिस्कशन नहीं। जहां लोकतंत्र खतरे में हो, जहां देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम अखबार और टीवी चैनल करें, अगर उसमें भी बहस नहीं, बड़े अफसोस की बात है। पार्टी की तरफ से स्पष्ट तौर पर मानना है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जो जो टीवी चैनल्स, जो जो अखबार, जो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन वेबसाइट्स जिनकी भूमिका स्पष्ट तौर पर संदेह के दायरे में है, अगर उनका भी सामने आती है, तो न केवल ये पब्लिकेशन बंद होने चाहिए बल्कि संपादकों और मालिकों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अभी आप ये इलेक्शन कमीशन में बार अखबार लिखते रहे हैं,
इस मामले में आने वाले मामले इससे पहले, तो आखिर इसका सोल्यूशन क्या? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, बात एक खत्म हो जा रही है, दूसरी पार्टी है वो आवाज उठा दे रही है, इसका समाधान क्या, क्या सोल्यूशन है? देखिए, इसका समाधान यही है कि सारी राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर, भारतीय जनता पार्टी तो आएगी नहीं इस सवाल पर साथ, तो सारी राजनीतिक पार्टियां चाहे कांग्रेस हो, बीएस, आप देखिए गोरखपुर का चुनाव पत्रकारों को भगा दिया गया, 21 राउंड तक काउंटिंग होने के बाद पहले राउंड की घोषणा की गई, ये क्या हो रहा है? मतलब चुनाव आयोग की भूमिका चुनाव संपन्न कराने की है, लेकिन अगर वो धौलपुर पे कार्रवाई नहीं करेगी, कानपुर के मामले में कार्रवाई नहीं करेगी, भिंड के मामले में कार्रवाई नहीं करेगी, पुणे के मामले में कार्रवाई नहीं करेगी, ईवीएम पे इतनी शिकायतें आ चुकी हैं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं, ठोस कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं हुई, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो चाह रही है चुनाव आयोग वो कर रहा है, तो सभी पार्टियों को इस पे बोलना होगा, एकजुट होना होगा, तभी चुनाव आयोग की इन कार्रवाइयों पर रोक और अंकुश लगाया जा सकता है। अब आज जो मामला आया है इसके बाद हम लोग संपर्क जरूर करेंगे, लेकिन मुझे लगता है हम लोगों के संपर्क करने के पहले भी उनको खुद से सोचना चाहिए, क्योंकि ये अकेले आम आदमी पार्टी का मसला नहीं है, सभी पार्टियों को इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है और झेला है। सर एक सवाल, आप तो सीलिंग के मुद्दे को भी संसद से उठाते रहे हैं, और हाल ही में जो कन्वर्जन चार्ज को लेकर या एसीडी ने जो अब तक वसूली की है 5,000 करोड़ का, वो मामला काफी सवालों के घेरे में, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अभी भी सीलिंग से राहत नहीं मिली थी? देखिए, इस सरकार के अंदर और इनकी सरकारें, इस पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं पूरे देश के अंदर, बहुत सारे घोटाले सामने आए हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार से जुड़ा हो, चाहे मध्य प्रदेश की, चाहे राजस्थान की, चाहे महाराष्ट्र की, चाहे दिल्ली के एमसीडी की, जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, कार्रवाई इन्हीं लोगों को करना है, इसलिए कार्रवाई की तो कोई संभावना है नहीं, लेकिन दिल्ली के व्यापारियों को इन्होंने पूरी तरीके से पीड़ित कर रखा है, ये एक खुला हुआ सच है, और उनसे पैसा लेकर भी, यानी 5,000 करोड़ रुपए का जो कन्वर्जन चार्जेज है उसको जमा कराने के बाद भी अगर उनको उनकी दुकानें सील की जा रही है, घोर अन्याय उनके साथ है। जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी सवाल उठाया, प्राइवेट मेंबर बिल भी मैंने दिया, इसके साथ साथ लगातार हम लोगों का ये प्रयास रहा है कि किसी भी तरह से पार्लियामेंट के अंदर एक कानून पास करके, एक बिल पास करके इस सीलिंग पर रोक लगाई जाए, लेकिन उसको मजाक में उड़ा लिया जाता है, कहते हैं साहब जो है वो हर बात पे ऐसे बिल तो बन नहीं सकता, हर बात पे तो ऐसे बिल पास नहीं हो सकता। इसी सरकार ने 2017 दिसंबर में एक बिल पास किया है जिसमें बहुत सारे वर्गों को छूट दी गई है, उसमें अनऑथराइज कॉलोनीज भी हैं, उसमें फार्म हाउसेज भी हैं, उसमें बहुत सारे वर्गों को छूट दी गई है, मिलनी चाहिए। एक मानवीयता का प्रश्न है, जो 50-50 साल से जो लोग दुकान कर रहे हैं एक जगह पे, 100-100 साल पीढ़ियां बीत गई, अचानक आप गए और उनके दुकान पे आपने ताला लगा दिया, ये किस प्रकार का न्याय? और अपनी खुद की जहां बात आती है, विदेशी काले धन को सफेद करने के लिए रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस बीजेपी ने, दोनों पार्टियों ने कानून पास कर लिया, तो जब लाखों व्यापारियों का सवाल है तब आप कानून पास नहीं कर सकते, दो लाइन का कानून पास नहीं कर सकते, संशोधन नहीं पास कर सकते, लेकिन अपने काले धन को अगर सफेद करना है तो आप कानून बना ले रहे हैं, तो ये सीधे तौर पर व्यापारियों के साथ तानाशाही पूर्ण और अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। सम्मान संजय जी, इलेक्शन कमीशन के लिए इस बार तमाम उदाहरण आप लोगों ने बताया, ईवीएम के साथ जो गड़बड़ी हुआ आप लोगों ने विधानसभा में दिखाया भी था कैसे संभव है ईवीएम के साथ छेड़छाड़, अब आपके विधायकों का मामला, लेकिन ये हमने देखा है कि इससे पहले भी जो यूपीए की गवर्नमेंट थी उसमें भी चुनाव आयोग पे सवाल उठाया जा रहा था विपक्षी पार्टियों के द्वारा, क्या आप लोगों के पास कोई इसका समाधान है कि सरकार कोई भी हो पार्टी को ये कम से कम इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस तरह का आरोप ना लग पाए? देखिए, जहां तक यूपीए सरकार का प्रश्न है, जरूर उस समय भी कुछ सवाल उठे होंगे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितना खुले तौर पर मौजूदा चुनाव आयोग काम कर रहा है एक तरफा बीजेपी के हक में, या कह लीजिए कि केंद्र सरकार के इशारे पर, ऐसा तो मेरे ख्याल से भारतीय चुनाव आयोग के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। वो जमाना अलग था जब एक
चुनाव आयुक्त होते थे और पूरे पूरे टीएन सेशन के बाद से तो चीजें बदल गई। डीएन सेशन जी के बाद से तो जितने भी चुनाव आयुक्त आए उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी निष्पक्षता को कायम रखा। ये तो सारे नियम कानून संविधान सबको ताक पे रख के फैसले लेते हैं, खुद ही कहते हैं आपको सुनने के लिए बुलाया जाएगा, उसके पहले ही आपको बर्खास्त कर देते हैं। खुद ही इन्हीं के राज में दूसरे राज्यों में संसदीय सचिव जहां हाईकोर्ट नियुक्ति रद्द करता है सदस्यता रद्द नहीं होती, दिल्ली के केस में सदस्यता रद्द हो जाती है। तो अब जरूर सारी पार्टियों को सोचना पड़ेगा, ये अकेले आम आदमी पार्टी के आवाज उठाने से नहीं होगा। अशोक जी, आपने एक ब्लॉग लिखा था अभी जिसमें आपने लिखा था कि अन्ना ने आम आदमी पार्टी बनाने पर सहमति जताई थी बारिश के अंदर, मुझे लगता है कि इस नहीं मैं याद दिला दूंगा एक मिनट। हाँ, आपको याद होगा जुलाई के महीने में 2012 में हम लोगों ने एक अनशन रखा था जंतर मंतर पे, जिसमें अन्ना जी थे, जिसमें अरविंद जी थे, गोपाल राय जी थे, मनीष सिसोदिया जी, सब लोग अनशन पे बैठे हुए और 10 दिन तक उन मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो 2 अगस्त को खुद अन्ना जी ने जंतर मंतर से ये ऐलान किया था कि हम देश को एक ईमानदार राजनीतिक विकल्प देंगे, उसके बाद परिस्थितियों बदल। थैंक यू। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल माइंड द न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।